हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सताक्षी वगैरह। सब टाइटल एंड थंबनेल के हेल्प से तो ऑलरेडी जान चुके होंगे कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। सो आज का वीडियो होने वाला है डैंड्रफ के ऊपर। यस, अभी मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे स्कैल्प एक लेयर बन गई थी पूरे डैंड्रफ की। आई थिंक धीरे धीरे बढ़ के इतना ज़्यादा बढ़ गया था, मैं गौर नहीं कर पा रही थी शायद तक। एंड मुझे उसे एनी हाउ ट्रीट करना ही था। मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ आपके साथ पहले भी शेयर किया, बट मैं चाहती हूँ कुछ न्यू तरीके से मैं रेमेडी को यूज़ करूँ, जिसका रिजल्ट कैसे मिलता है वो आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। एंड यू कैंट बिलीव, इस रेमेडी को मैंने फॉलो किया। एक रेमेडी नहीं बोल सकता, आप एक रूटीन ही बोल सकते हैं। मेरे डैंड्रफ फर्स्ट यूज़ में ही 50-80% गायब हो चुके थे। मीन्स इतना इफेक्टिव रिजल्ट फर्स्ट यूज़ में मैंने तो नहीं देखा था डैंड्रफ के लिए। सो अगर आपको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वीडियो सिर्फ आपके लिए, इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। एंड जो मेरे स्कैल्प की हालत थी डैंड्रफ से, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा था, सामने से काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था। बट ये जब मैं अपने बालों पर हाथ फेर रही थी, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ गिर रहे थे मेरे बालों से। तो देखते हैं मैंने इसे किस तरीके से ट्रीट किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इस रेमेडी को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, यूज़ करना है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। इतना इजी सिंपल रेमेडी आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक लेमन चाहिए, एक बड़ा सा आपको लेमन लेना है, दैट्स इट। आपको क्या करना है, पहले उसका आप जितना भी जूस है आप उसे अच्छे से निकाल लीजिए कटोरी में। एंड उसमें क्या रहता है, रेशे रहते हैं थोड़े, एंड बीज रहते हैं, वो रेशे बालों में फंस जाते हैं अगर आप उसका कुछ रेमेडी बना के यूज़ करते हैं लेमन का। तो इसलिए आपको क्या करना है, वो जो लेमन जूस निकला है उसे अच्छे से आप छन्नी से छान लीजिए, जिससे कि जो उसके रेशे एंड सीड है वो निकल जाए। देन आपको क्या करना है, जितना लेमन जूस है आपको उतनी ही क्वांटिटी में आपको उसमें वाटर ऐड करना है। आप उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। डायरेक्ट मैं ये बोलूँगी कि आप लेमन जूस अप्लाई करिए, उसे ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है अगर आपके स्कैल्प सेंसिटिव है तो इसीलिए आपको जितनी क्वांटिटी में जूस है उतनी क्वांटिटी में आपको उसे वाटर ऐड करना है। देन आप इसे स्प्रे बॉटल में स्टोर कर लीजिए। एंड आई सजेस्ट कि आप स्प्रे बॉटल का ही यूज़ करिए। इससे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सिंपल ईजी हो जाता है, एंड रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है। सो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसे अपने क्लीन स्कैल्प पे यूज़ करना है। आपके स्कैल्प पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं होना चाहिए, आप उसे ऑयली हेयर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप ऑयल के ऊपर जितना भी वाटर स्प्रे करिए वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ओके। सो आपका स्कैल्प फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन होना चाहिए। देन आपको क्या करना है, अपने स्कैल्प का पार्टीशन करिए, एंड ये जो जूस हमने प्रिपेयर किया है लेमन एंड वाटर का, उसे अच्छे से अपने स्कैल्प पर स्प्रे करिए। पूरे आपको स्कैल्प में से अप्लाई करना है, या जहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है आप वहाँ पर भी स्प्रे कर सकते हैं। सो आई सजेस्ट स्प्रे बॉटल ही यूज़ करिए, वैसे आप बहुत जल्दी अप्लाई कर पाएंगे इस रेमेडी को, बोल सकते हैं ये लेमन वाटर जूस को। तो अच्छे से आपको अप्लाई करना है। देन आपको क्या करना है, 5 मिनट के लिए वेट करना है, जो फर्स्ट बार में हमने जो स्प्रे किया वो अच्छे से एब्जॉर्व हो जाएगा, ओके। देन आपको क्या करना है, 5 मिनट बाद आपको फिर से वही चीज़ फॉलो करना है, आपको फिर से स्कैल्प का पार्टीशन करके अच्छे से स्प्रे करना है। आपका स्कैल्प पूरा ना एकदम वेट हो जाना चाहिए। देन आपको क्या करना है, हमने 2 बार इसे अप्लाई किया है 5 मिनट के गैप में। देन आप अपने बालों को ओपन रख सकते हैं या बंद बना सकते हैं, एंड इसे 30 मिनट्स के लिए आप ऐसे ही रहने दीजिए। 30 मिनट में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, थोड़ा ड्राई भी हो जाएगा। के बाद आपको क्या करना है, 30 मिनट्स हो जाएंगे, आप एब्जॉर्ब करेंगे कि काफ़ी अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो चुके आपके स्कैल्प पे। देन आपको अपने हेयर पे ऑयलिंग करनी है। आपको कोई रेमेडी वाली ऑयलिंग यूज़ नहीं करनी, आप कोई सा भी सिंपल सा ऑयल लीजिए। मैंने कोकोनट ऑयल लिया था, उसे अच्छे से आपको अपने स्कैल्प में मसाज करते हुए अप्लाई करना है। आप अपनी हेयर लेंथ में भी अप्लाई कर लीजिए, जिस तरीके से हम वीक में 2 बार ऑयलिंग करते हैं उसी तरीके से। तो अच्छे से मैंने स्कैल्प में मसाज करते हुए ऑयल अप्लाई किया, एंड इसे मैं 30 मिनट्स के लिए रहने दूंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ ऑयलिंग करके तुरंत आपको हेयर वॉश नहीं करना है, 30 मिनट to 1 आवर के लिए आपको उसे अपने बालों पे लगे ही रहने देना है। सो 30 मिनट्स के लिए मैंने अपने बालों पे ऑयल लगा के रखा। देन आपको क्या करना है, आपको शैम्पू करना है, ओके। सो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेमन जूस अप्लाई किया, देन 5 मिनट के इंटरवल में हमने फिर से लेमन जूस अप्लाई किया, देन 30 मिनट्स के बाद हमने क्या किया, ऑयलिंग की अपने हेयर पे। ऑयलिंग के बाद आपको क्या करना है, हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश में भी एक टिप है एंड ट्रिक है, आप बोल सकते हैं, आपको 2 बार अपने स्कैल्प को क्लीन करना है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से अपने हेयर को वेट कर लीजिए, एक बार अच्छे से शैम्पू करिए एंड अपने हेयर को रिंस ऑफ कर लीजिए। फर्स्ट यूज़ में ही जैसे आप शैम्पू करते हो तो कई बार क्या होता है, हम अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं, इस कारण डैंड्रफ कम्प्लीटली जाता नहीं है एंड फिर से बढ़ने लग जाता है।
इसलिए आप अच्छे से रिंस ऑफ करेंगे एंड थोड़ा सा फिर से शैम्पू लेंगे आप एंड फिर से अपने हेयर को स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करेंगे। इससे जो बचा कुचा डर्ट रहेगा आपके स्कैल्प में ना, वो अच्छे से रिमूव हो जाता है। देन आपको अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करना, आप कंडीशनर अप्लाई कर लीजिए 5 to 10 मिनट्स के लिए रख के आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। जब आपके हेयर ड्राई हो जाएंगे, आप अपने स्कैल्प को चेक करेंगे तो आप देखेंगे आपके 50 to 80% डैंड्रफ फर्स्ट यूज में ही गायब हो जाते हैं। मतलब मैंने इतनी सारी रेमेडी ट्राई की, आप लोगों के साथ शेयर की है, बट इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत ही कम टाइम में फर्स्ट यूज़ में आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एंड अगर आप इसे 2 से 3 बार यूज़ करेंगे, ओके, सो आप देखेंगे आपके डैंड्रफ पूरे तरीके से गायब हो चुके हैं, आपके स्कैल्प एकदम नीट एंड क्लीन हो गई जैसे अभी मेरी है। सो इस रेमेडी को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं रेमेडी नहीं बोलूँगी कि रूटीन बोलूँगी डैंड्रफ के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल। आपको लेमन जूस अप्लाई करना है 2 बार, देन आपको ऑयलिंग करनी है 1/2 आवर के लिए। ऑयलिंग करने के बाद आपको 2 बार क्लेंस करना है अपने हेयर को शैम्पू की हेल्प से, एंड दैट्स इट। इससे आपके डैंड्रफ बहुत अच्छे से ट्रीट होते हैं। सो प्लीज़ इस रूटीन को, इस रेमेडी को ट्राई करके देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।